हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं क्रिप्टोस में, क्या सेटअप दिख रहा है। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए। तो किस तरीके से आप करंटली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारा फॉल, काफी बड़ा फॉल आया है क्रिप्टोज में। तो आप देख सकते हैं राइट नाउ बिटकॉइन 22,000 के ऊपर निकल गया था, फिर से 19,700 पे है। इथीरियम 1750 तक चला गया था, अभी 1450 पे है, $300 गिर चुका है, और काफी बड़ा फॉल आया है बिनेंस, XRP, आपका सोलाना, सारों में, मतलब जो भी टॉप है आपके 10-15 क्रिप्टोज, तो सभी में बड़ा फॉल आया है। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या यहाँ से और फॉल आ सकता है, या फिर हम बेस बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा ही डामाडोल लग रहा है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो काफी कमजोर है, तो ये दिखाता है कि अगर ग्लोबल मार्केट वीक रहे तो मार्केट में क्रिप्टोज भी गिरेंगे, और काफी गिरेंगे, और स्ट्रक्चर ऐसा ही बता रहा है फिलहाल। तो मेरा ये व्यू है कि अभी यहाँ से ब्रेक डाउन होने के चांसेस लग रहे हैं। सो डू नॉट थिंक कि यार ये एक्यूमुलेशन का एरिया है, इसको थोड़ा सा 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम दो। आपको जरूर, अगर इस एरिया पे हमने बेस बना लिया तो आपको थोड़े ऊपर लेवल पे खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर डैमेज हुआ तो आप बच जाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ क्रिप्टोज जिनका टेक्निकली यहाँ पे बात करेंगे, चार्ट में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेल्टा एक्सचेंज का ये टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। और यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में परपेचुअल्स जो हैं इनको इनको ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों कर सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर आया है इजी ऑप्शन, उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो नए लोग हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में लेट घुसे हैं, तो उनको ऑप्शन में कुछ स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटिकली ये निकाल के दे देता है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा आज। सबसे पहले चार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बिग डैडी है क्रिप्टो का, वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में राइट नाउ क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोशिश काफी सारी यहाँ पे हुई है। एक ये वाला एरिया था, जस्ट मोमेंट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो एक ये वाला एरिया था जहाँ पे आपने एक बाउंस ब्रेक डाउन करने की कोशिश, ब्रेकआउट करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन थी, ब्रीच हुआ, उसके बाद हम नीचे आए, और अभी हम लगातार नीचे आ रहे हैं। इसके बारे में मैंने बात भी की थी कुछ दिन पहले। तो क्रिप्टोज ने ऑलरेडी टॉप फॉर्मेशन दिखा दिया था, यूएस मार्केट गिरना शुरू हो गए थे, लेकिन इंडियन मार्केट को एक यूफोरिक फेज में जाना था, उसके बाद गिरना था, जो कि अब हम गिर रहे हैं। तो फिलहाल अगर बात करें तो एक और यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, वो भी फेल होता हुआ दिख रहा है। अगर ये अटेम्प्ट फेल होता हुआ दिख रहा है, तो इसके मायने क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए आप। तो फिलहाल अगर हम लगातार जो हाईज बना रहे हैं वो लोअर हाईज हैं, तो देर सवेर हम इस एरिया को ब्रीच कर सकते हैं, जो ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट 18,800। और 18,800 ब्रेक हुआ तो आप अगर पास्ट में जाएंगे, पास्ट के डेटा में, तो यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन देखने को मिलेगा, कैसे हम बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले एक ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, विच इज 17,400, और एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 16,400। तो यहाँ पे अगर हम करंट एरिया की बात करें, तो ये दो लेवल हमें वॉच करके चलने हैं। पहला है 16,400 और 17,400। तो यहाँ से करंटली जो लेवल है हमारा 19,700, यहाँ से हम ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं, 3,000 पॉइंट। तो दैट इज अ वेरी रिस्की सिनेरियो। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो कौन सा एरिया है जो ब्रेकआउट कहलाएगा, आप अगर यहाँ से निकलते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी होगा इस एरिया, मतलब 21,800 पे हम दोबारा से चले जाएं, और उसके ऊपर कम से कम 4 से 5 दिन सर्वाइव करें, तब जाके यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा बिटकॉइन में। और अगर आज का जो लो है 19,500 के आसपास, 500-600 के एरिया में, अगर उसके नीचे हम जाते हैं, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो 18,600 है, 1,000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। तो ये हो गया आपका बिटकॉइन का। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एवैक्स है, ये एक और फेवरेट है मेरा, एवलांचे जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे पहले यहाँ पे लो है 10 पे, राइट नाउ हम 17.9 पे है। और आपको एक चीज बता दूं, रिसेंटली में ये गया था 30 तक, और 30 तक गया था कहाँ से, 14 से 30 तक गया था, तो काफी अच्छी रैली इसने दिखाई थी, लेकिन वहां से ब्रेक डाउन हो गया है। अब अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, तो आपको ये बढ़िया चैनल पे चल रहा था, लेकिन ये जब इतना बड़ा फॉल आया है, उसके बाद जो ये चैनल है, हमेशा ये ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं, इट्स ए बेयरिश फ्लैग पैटर्न, और वहां पे हमने ब्रेक भी किया। उसके बाद राइट नाउ हम इस एक ट्रेंड लाइन को अगर खींचे यहाँ पे, तो हम उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम फॉलो करेंगे तो वापस से हम 13-14 लेवल तक भी गिर सकते हैं, 17.9 पे ऑलरेडी है। और आप देखेंगे रीसेंट का जो लो था ऑलमोस्ट 17 का,
उसको अगर हमने ब्रीच किया तो फिर 14 तक का फॉल कोई नहीं रोक सकता। तो ओवरऑल क्रिप्टो में काफी खतरा नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। अवलांचे में 14 तक के टारगेट आ सकते हैं। अब ये है दूसरा सोलाना जो मेरा एक फेवरेट भी है। अगर हम इसकी बात करें तो राइट नाउ यहाँ पे भी सेम चीज है। इसने यहाँ पे देख सकते हैं लोअर हाई बनाया, उससे रिवर्सल आ रहा है। अब इसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 30 पे। अगर 30 टूटा तो रिसेंट का जो लो बना था वो बना था 26 पे, तो 30 के नीचे 26 तक बहुत तेज फॉल आएगा। तो ये जो एरिया है बहुत डेंजरस है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंडल स्ट्रक्चर है, ये वाला जो कैंडल स्ट्रक्चर है ये काफी डेंजरस है। एंगल देखिए, आप ब्रेकआउट होते होते इसको पूरा फंसा के नीचे लाके इन्होंने रखा है, तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो आई थिंक कि अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, 31.6 के नीचे जाते हैं, तो आप 30 के नीचे जाता हुआ बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। फॉल जो है बहुत तेजी से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब फॉल शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट 37 से लेके 25 तक हम बहुत तेजी से गए थे 4-5 दिनों में। तो यहाँ पे भी जब ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत तेजी से आएगा, 4 से 5 दिन तक हम लगातार गिरते रहेंगे। सो दिस इज माई व्यू अबाउट सोलाना। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं आपका इथेरियम। तो इथेरियम का मर्ज हो चुका है, और यहाँ पे उसके बाद थोड़ी, उसके पहले पॉजिटिविटी थी लेकिन उसके बाद से फिर से यहाँ पे अच्छी सेलिंग आपने देखी है। ये हाई बनाया तो लोअर हाई यहाँ भी फॉर्मेशन चल रहा है, और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कोई भी बाउंस आएगा तो कहाँ तक उस बाउंस को आप मतलब प्ले कर सकते हो उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट पे हम हैं, 1440 1444 एरिया जो है अभी दिख रहा है, दिस इज ए इमीडिएट सपोर्ट। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ये एरिया के नीचे आप काफी बड़ा फॉल देख सकते हो। तो इमिडिएटली अगर ये टूटा तो हम फिर पहला टारगेट होगा 1240 और दूसरा टारगेट होगा 1000। तो अगला जो टारगेट है वो आपका ये होगा 1240, और उसके बाद जो टारगेट होगा रिसेंट का लो जो था 1000 के आसपास जहां से हमने बाउंस लिया था। फिर पैनिक लो तो उसके बाद बनी जाएगा, लेकिन ये टूटा तो $200 का फॉल आ सकता है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो राइट नाउ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सपोर्ट ले पाएगा चीजें क्योंकि अच्छी नहीं दिख रही है। सो दिस इज इथीरियम चार्ट, और ब्रेकआउट एरिया आपका ये है। तो जब तक ये 17,000 1700 के ऊपर ना निकले तब तक इसको, और इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको खींच के रखिए, जब तक इसके ऊपर 2-3 दिन के कैंडल नहीं बनते तब तक दिस इज नॉट ए सेफ एरिया राइट नाउ। और एक्यूमुलेट करना भी होगा तो 1000 पे लेना, उसके नीचे भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू बाइंग एरिया है। अब हम बात कर लेते हैं इजी ऑप्शन फंक्शनैलिटी जो डेल्टा एक्सचेंज देता है। बाय द वे, डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड नहीं अभी तक किए हैं तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप चेकआउट करिए, आप ट्रेड करिए। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शन फ्यूचर सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है, मतलब अगर आपके पास $1000 है तो आप अप टू 100x ले सकते हो। नॉर्मली प्रेफरेबल होता है कि 10x से ज्यादा लेवरेज ना लें, 5x 10x इज वेरी गुड। तो अगर आपके पास $1000 है तो आप $10,000 तक की ट्रेड ले सकते हो, और परसेंटेज वाइज जो भी आपके रिटर्न्स होंगे आप कमा सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है, इजी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले करंट प्राइस चल रहा है 19,716। अब अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन 20,000 के ऊपर जा सकता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब 20,000 के अगर ऊपर जाता हुआ आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करंटली डेट क्या चल रही है, आज है 16th, तो यहाँ पे एक्सपायरी एक चीज है, डेली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। मान लो मेरा व्यू है कि यार 23rd of September तक में बिटकॉइन जो है 20,000 के ऊपर तो होना चाहिए। अगर मेरा ये व्यू है और 5,000 रुपीज मेरे पास, $5,000 मेरे पास पैसे हैं, तो हाउ कैन आई फाइंड द ट्रेड। तो मेरा व्यू है 20,000 के ऊपर रहेगा, तो लेट मी चेक कि ये मुझे ट्रेड निकाल के देता है कि नहीं देता है। तो ये कौन सी ट्रेड निकाल के दे रहा है कि आप मैक्सिमम लॉस $5,000, और आप क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो लॉस जो है आपका लिमिटेड, जितना आपका कैपिटल है वो है, और जो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखा रहा है $255, और ये बोल रहा है कि टोटल आरओसी कितना है, 4% का रिटर्न आपको 4% का मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स है, ब्रेक इवन है। अगर 19,900 के ऊपर भी बिटकॉइन चला गया अगले 3-4 दिन में, 23rd of September तक, तो आपका प्रॉफिट में ही होने वाला, आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो ये अच्छी चीज है, सेफ स्ट्रेटेजीज आपको निकाल के बताता है। बाकी आप अगर नॉलेजेबल हैं तो आप डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लो मुझे लगता है 20,500 के ऊपर रहने वाला है $5,000, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर रैली आने वाली है। आज 18th September, आज 16th है, 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर बहुत बड़ी एक रैली आ सकती है। तो $5,000 के हिसाब से 20,500 के ऊपर के लिए लेट मी फाइंड ए ट्रेड। अब यहाँ पे मुझे इतनी सारी ट्रेड्स हैं, और अगर ऐसा अगले 2 दिन में हो जाता है तो सोचो आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये आपको
18 सितंबर का 20,000 का कॉल रिकमेंड कर रहा है, और इसमें आपका आरओसी 70-80% है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है। अगर शॉर्ट टर्म में अचानक से बहुत बड़ी रैली आई तो आपको पैसे तो बनेंगे ही डेफिनेटली, तो ये आपको यहाँ पे बताता है। फिर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो यही आज कन्वे करना था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बिटकॉइन है इंडिया में इलीगल नहीं है, रेगुलेशन अभी नहीं आए हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब रेगुलेशन आएंगे तो उस हिसाब से आपको रूल्स रेगुलेशन टैक्स से रिलेटेड कुछ आए हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इंडियन एक्सचेंज में जहाँ से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जेप पे मैं यूज करता हूँ, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज को जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे इजी ऑप्शन जो इसका जो फंक्शन है उसको भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, और जो टेक्निकली मैंने लेवल्स बताए हैं उनको मार्क कर लीजिएगा। जब भी ऐसे लेवल्स आते हैं, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो आप ट्रेड कर पाएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।